हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स नॉलेज प्रमोशन। आज हम चैप्टर नंबर 9 एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स की थ्योरम 9.2 पर डिस्कस करने जा रहे हैं। थ्योरम 9.2 का स्टेटमेंट है, टू ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस, दैट मींस इक्वल बेसिस, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया। दैट मींस अगर हमें यहां पर टू ट्रायंगल्स दे दिए जाते हैं, यहां हमें दिखाई दे रहा है एक ट्रायंगल एबीसी एंड एक ट्रायंगल पीबीसी। ये दो ट्रायंगल्स ऐसे हैं जिनका बेस भी सेम है, यानी कि बीसी इनका बेस सेम बेस है, एंड एपी बीसी ये दो पैरेलल लाइंस हैं जिनके बीच में ये दोनों ट्रायंगल्स लाए करते हैं। तो हमें ये प्रूव करना है कि इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल होगा। ओके, फर्स्टली हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि हमें गिविन क्या है। हमें यहाँ पर गिविन है टू ट्रायंगल्स, ट्राइंगल है ए बी सी एंड ट्राइंगल पी बी सी ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। सेम पैरेलल लाइंस कौन सी है? ये है ए पी एंड बी सी। तो ये हमें यहाँ पर दिया गया है। हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव हमें प्रूव करना है ट्रायंगल एबीसी जो है इसका एरिया इक्वल है पीबीसी ट्रायंगल के एरिया के। ओके, ये हमें यहाँ पर प्रूव करना है। तो इस प्रूव को करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन भी करनी होगी। हमें यहाँ पर क्या कंस्ट्रक्शन करनी होगी? अभी तक हमें ये पता है कि अगर दो पैरेललोग्राम ऐसे ही हैं जिनका सेम बेस है एंड ये दो पैरेलल लाइंस के बीच में लाए करते हैं तो उनका एरिया इक्वल होता है। एंड हमें ये भी पता है कि अगर एक ट्रायंगल एंड एक पैरेललोग्राम ये दो फिगर्स ऐसी हैं जिनका बेस सेम हो और वो सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाए करते हैं तो उनका एरिया में भी रिलेशन क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पर दो ट्रायंगल्स के लिए हमारे पास कोई रिलेशन नहीं है, हमारे पास दो पैरेललोग्राम्स के लिए रिलेशन है। तो हम यहाँ पर दो पैरेललोग्राम्स तैयार कर लेते हैं जिनका बेस सेम हो और वो सेम पैरेलल लाइंस के बीच में ही लाए करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, ए पी को दोनों साइड पर प्रोड्यूस कर लेते हैं, आगे की ओर बढ़ा लेते हैं एंड इसको पीछे की तरफ भी ऐसे बढ़ा देते हैं। तो फर्स्टली हमने किया है ए पी को दोनों साइड पर प्रोड्यूस किया है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं प्रोड्यूस ए पी ऑन बोथ साइड्स। एंड नाउ इसके बाद हमें क्या करना होगा, हमारे पास है ये एक साइड AC, तो AC के पैरेलल हम B पॉइंट से होती हुई एक लाइन क्रिएट कर लेते हैं इस तरह से, एंड ये लाइन इस लाइन को इंटरसेक्ट करती है मान लिया D पॉइंट पर। ओके, तो हमने यहाँ पर क्या कंस्ट्रक्शन किया है, ड्रॉ अ लाइन BD व्हिच इज पैरेलल टू CA। ओके, हम यहाँ लिख लेते हैं ड्रॉ BD पैरेलल टू CA, एंड इसी के साथ साथ हमारे पास एक लाइन है PB एंड इस PB लाइन के पैरेलल हम C से होती हुई एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। तो हम ये मान लेते हैं कि वो इस लाइन को Q पॉइंट पर कट करती है। तो हमने क्या किया है, BP लाइन के पैरेलल CQ लाइन ड्रॉ कर ली है एंड CQ व्हिच इज पैरेलल टू BP। ओके, तो ये हुआ कंस्ट्रक्शन। एंड नाउ प्रूफ स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हम यहाँ पर देखेंगे कि हमें दो पैरेललोग्राम्स मिल गए हैं। कौन कौन से? हमने अभी अभी देखा कि सी ए एंड बी डी ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। सिमिलरली बी सी एंड डी ए ये भी पैरेलल लाइंस होंगी क्योंकि ए पी बी सी पैरेलल थी, AP को प्रोड्यूस किया गया है तो DABC भी पैरेलल ही रहेंगे। तो यहाँ हम लिख लेते हैं सिंस BC इज पैरेलल टू DA बिकॉज हमारे पास AP पैरेलल था BC के। ओके, तो BC पैरेलल होगा DA के एंड जो हमने BD ड्रॉ किया है वो CA के पैरेलल ड्रॉ किया है, ये बाय कंस्ट्रक्शन हम ये कह सकते हैं। तो इससे हम क्या फाइंड कर सकते हैं
कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल की ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं तो वो एक पैरेललोग्राम होता है. सो बी सी ए डी ये एक पैरेललोग्राम होगा. सो इट इंप्लाइज बी सी ए डी इज अ पैरेललोग्राम. ओके एंड नाउ सिमिलरली हम क्या प्रूव कर सकते हैं, जो बी पी है वो सी क्यू के पैरेलल है, बी सी पी क्यू के पैरेलल है, तो इनसे बनने वाला ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा. हम यहां पर लिख सकते हैं सिमिलरली बी पी क्यू सी इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम. ओके तो हमें यहां पर दो पैरेललोग्राम मिल गए हैं. एंड नाउ इसमें हम देख सकते हैं कि बी सी एंड बी सी ये दोनों वर्टेक्स दोनों ही पैरेललोग्राम में यूज हुए हैं. That means ये इन दोनों पैरेललोग्राम का कॉमन बेस है. तो यहाँ हमें एक कॉमन बेस मिल गया है एंड दोनों ही पैरेललोग्राम डी क्यू बी सी इन दो पैरेलल लाइंस के बीच में लाए करते हैं, तो इन दोनों पैरेललोग्राम का एरिया इक्वल हो जाएगा. ओके सिंस बोथ पैरेललोग्राम्स हैव सेम बेस BC and lie between same parallel lines, same parallel lines है DBC and DQ. Okay? तो यहां पर ये condition fulfill हो गई है. इससे हमें क्या मिल जाता है, area of parallelogram BCAD is equal to area of parallelogram BP Q C. ओके तो इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर वन. एंड नाउ हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पहला पैरेललोग्राम है बी सी ए डी, इस पैरेललोग्राम में ए से बी को ये जॉइन हुआ है, तो ये एक डायगोनल का काम कर रहा है. एंड किसी भी पैरेललोग्राम में जो डायगोनल होता है वो उस पैरेललोग्राम को दो ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देता है. एंड ये दोनों जो ट्राइंगल्स होते हैं ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होते हैं, That means इनका एरिया इक्वल होता है. तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि बी सी ए डी के अंदर ए बी एक डायगोनल है, जिससे हमें क्या मिल जाता है कि ये जो ट्राइंगल ए बी सी है ये पूरे पैरेललोग्राम का हाफ के इक्वल है. तो हम यहाँ पर ये रिजल्ट लिख सकते हैं सिंस द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ अ पैरेललोग्राम divides it into two triangles, two equal triangles. Okay, so it implies इससे हम क्या लिख सकते हैं कि एक जो ट्राइंगल ए बी सी है उसका एरिया किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी सी ए डी के इक्वल होगा. ओके एंड इसी तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो बी सी क्यू पी ये जो पैरेललोग्राम है इसका डायगोनल है पी सी, एंड पी सी ने इसको दो ट्राइंगल्स में कट किया है एंड ये दोनों ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल होता है. तो पी बी सी जो एक ट्राइंगल है उसका एरिया पूरे पैरेललोग्राम के एरिया के हाफ के इक्वल होगा. तो सेकेंडली हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंड सिमिलरली क्या रिजल्ट मिल जाता है हमें, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी पी क्यू सी. ओके तो इस तरह से हमने ये दो रिजल्ट्स और फाइंड कर लिए हैं. ए बी सी एंड पी बी सी का अपने अपने पैरेललोग्राम से ये रिलेशन क्रिएट हो गया है, लेकिन अभी हमने देखा कि ये जो दोनों पैरेललोग्राम है इनका एरिया आपस में इक्वल है, तो इनका हाफ अगर कर दिया जाए तो वो भी आपस में इक्वल ही होगा. तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन वन वी कैन से हाफ ऑफ पैरेललोग्राम, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी सी ए डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी पी क्यू सी. ओके यहाँ पर ये जो हमने दो रिजल्ट्स फाइंड किए हैं इनको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर टू का,
एंड ये आ गई है इक्वेशन नंबर थ्री। तो हम थर्ड इक्वेशन में इक्वेशन नंबर टू की रिजल्ट्स को यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ लिखा है बीसीएडी के एरिया का हाफ किया गया है, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। सिमिलरली इधर आरएचएस में हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल पीबीसी, क्योंकि वो इसके हाफ के इक्वल है। ओके, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, सो इट इंप्लाइज एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बीपीसी। ओके, सो यहाँ पर हमने क्या यूज किया है फ्रॉम इक्वेशन टू। ओके, हेंस प्रूव। तो इस थ्योरम में ध्यान देने वाली बात यही है कि इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमें थ्योरम नंबर 9.1 की भी हेल्प लेनी होगी, एंड एक रिजल्ट जो हमारे पास है कि एक ट्रायंगल एंड एक पैरेललोग्राम इनका भी एक रिलेशन क्रिएट होता है अगर वो सेम बेस एंड सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाए करते हैं। तो इनका जो रिलेशन क्रिएट होता है उसकी हेल्प लेकर के हम इस थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। ओके, अगर आपको यहाँ पर कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड वॉच योर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।